पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीम ने हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी के आवेदन पर की कार्रवाई। कटनी रीठी मोहास मंदिर में दर्द के तेल की बोतल पर बने हनुमान जी का चित्र का विरोध करते हुए हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने रीठी थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर रीठी तहसीलदार ने तेल के स्टॉक पर दबिश दी, जहां पटेहरा मंदिर के अंदर भारी मात्रा में एकत्रित तेल की शीशी को जब्त किया। जब्त की हुई शीशी पर हनुमान जी का चित्र अंकित पाया गया एवं भारी मात्रा में तेल को अपने कब्जे में लेकर उसके बिल की भी जाँच की जा रही है। साथ ही किस कंपनी का तेल है, इन सब की जांच की जा रही है। संबंधित तेल की शीशी पर खुदरा मूल्य 200 है, जिसे मंदिर परिसर में 100 से 120 रुपए में भी बेचा जाता है। इसे प्रभु आस्था से जोड़कर यहां लाखों का व्यापार तेल के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे हिंदू जागरण मंच द्वारा बताया गया कि हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगाकर लाल आधार तेल का नाम देकर अवैध लाभ प्राप्त करने एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और पता नहीं यह व्यापार कितने वर्षों से यहां संचालित है। आपको बता दें कि अभी तक उन तेल की शीशियों का संबंधित व्यक्ति आधार तेल का ना ही प्रमाणित बिल दे पाया है। यहाँ ऑयल बेचा जा रहा है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। मेरे कुछ मित्रगण यहाँ दर्शन करने आए, उन्होंने बोला भैया वहाँ पर एक तेल बिक रहा है जिसमें हनुमान जी की फोटो लगी है, किंतु जब वो आगे बढ़े तो वो हनुमान जी की फोटो लगी शीशी नाली में और कचड़े में पाई गई, जिससे उनको बड़ा दुख हुआ। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला, फिर मैं यहाँ स्वयं आया, मैंने वो दो शीशियाँ खरीदी, मंदिर परिसर से खरीदी। उसके बाद फिर मैंने शिकायत पत्र बनाया हिंदू जागरण मंच जिला महामंत्री प्रहलाद कुमार सरावगी, मैं रीठी थाने आया और रीठी थाने में मैंने विधिवत शिकायत की है कि मंदिर परिसर के अंदर हनुमान जी की फोटो लगा तेल का विक्रय हो रहा है, कृपया कर इसे रोका जाए, क्योंकि हमारे भगवान का अनादर हो रहा है। ये नाली में कहीं कचड़े में शीशियाँ पाई जा रही हैं और जो माल पाया जा रहा है उसको आप जब्त करें, उसका विक्रय रोकें। किंतु टीआई साहब और तहसीलदार साहब ने इसमें असमर्थता जाहिर की कि बोले मैं उसको जब्त नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6000 शीशियाँ और अभी 6000 हनुमान जी की फोटो और नाली नर्मदे में जाने के लिए शासन की मौन स्वीकृति प्राप्त होती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार सरावगी, हिंदू जागरण मंच जिला महामंत्री। ये इस तरह की एक शिकायत आई थी कि यहाँ पे अपने मोहास मंदिर और उसके परिसर उसके आसपास एक तेल का विक्रय किया जा रहा है, जो हड्डियों के दर्द वर्द के संबंध में बताया जा रहा है। उसमें बजरंगबली की मूर्ति बनी हुई है, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है कि लोग बाग उसको उतना सम्मान से ना रखें। इसके संबंध में हमने आकर यहाँ जाँच की है। जाँच में एक अलग सा मंदिर परिसर है, उस पर 15-20 पेटियाँ इस टाइप की रखी हुई पाई गई हैं और कुछ वहाँ विक्रय में पाई गई, जिसके संबंध में हमने उनकी जानकारी ली कि वो कहाँ से आई हैं। तो उन्होंने कि मझौली की एक शॉप से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से उन्होंने ऑनलाइन बुलवाया हुआ है, वहाँ से हमने मेन जगह पे बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि ये यदि इससे हमने बताया कि यहाँ ये समस्याएं हैं और लोगों की भावनाएं इससे आहत हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये लेवल अभी बंद कर देते हैं तत्काल। लगभग कितना ऑयल पाया गया? लगभग 20 कार्टून होगा वो, उसमें दो तरह की वैरायटी की पेटियाँ हैं, 20 कार्टून यहाँ पे रखा हुआ है। उसके GST बिल वगैरह सब आपने चेक किया? हाँ, उसके बिल उल हमारे पास जितना हमारे पास इसका, क्योंकि हम लोग इसके विशेषज्ञ होते नहीं हैं, नहीं जितना सामान्य रूप से हैं उस हिसाब से हमने उसकी जांच की और उनके पास GST बिल कटा हुआ है। जितना स्टॉक उतना ही बिल है इसका। अब ये सब चीज़ें बताया ना हमने कि हम उसके बहुत विशेषीकरण वाले अधिकारी नहीं हैं, मतलब GST ये सब चीज़ों की जाँच करने की बहुत महारत हमको हासिल नहीं है। तो जितना आपको जाँच हुआ, उन्होंने बिल दिया, उस बिल की पूरी कॉपी हम ले रहे हैं और जिन एजेंसियों से आया हुआ है उसका जो भी उनके पास दस्तावेज है तो उसको संबंधित विभाग को भेजेंगे। और जो ये फोटो लगा करके इन्होंने ये कार्रवाई की, उसके संबंध में भी हम अपने जो सरकारी वकील या इनसे राय लेते हैं कि इसमें हम किस ऑफेंस, अगर ये ऑफेंस बनता है ये, तो किस नियम के तहत इनके खिलाफ हम अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम विजय द्विवेदी। तो क्या पाया गया इसमें? हमारे पास में एक पत्रकार बंधु, कुछ हमारे हिंदू जागरण मंच से कुछ हमारे प्रतिनिधि आए हुए थे, जिनने ये कहा कि मोहास जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर एक तेल का विक्रय किया है जिसमें हनुमान जी का एक फोटो लगा हुआ है और उस संबंध में हम ये पता चाहते हैं कि उसमें से वो फोटो ना लगे। जब तो आपको ये संज्ञान में आया कि इसमें हनुमान जी की फोटो, उस पर कार्रवाई आपने नहीं की उस समय? जी, प्रेजेंट में जब आपको ये जानकारी लगी होगी जिस पे हनुमान जी की फोटो है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए थी आपको। इस संबंध में तहसीलदार साहब के साथ हम लोग मौके बिना मौके पे आए, जांच बिना कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं है।
मौके पर हम लोग आए हैं, उसमें सत्यापन मौके पर किया, कुछ ऐसी पेटियाँ पाई गई हैं उसमें विधिक राय ली जा रही है कि उसमें कानून तो हम क्या करें उसमें कर सकते हैं। क्या नाम है? सतीश तिवारी, थाना पहरेगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।